पूरी सरकार ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और क्या नारा है, काजी निजामुद्दीन को हरा लो। वीडियोज आ रहे हैं कि 5-11 बजे के बाद वोट नहीं डालने देंगे। उनके चुटभैये नेताओं के वीडियोस भी आने शुरू हो गए। हमारे लड़के पोलिंग बूथ पर रहेंगे, जिस देश में संविधान का राज हो और संविधान के तहत चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया कराता हो, उस देश में भारतीय जनता पार्टी के मंच से एक लफंगा नेता अपने गुंडे भेजने के लिए बात करता है, चुनाव आयोग देख रहा है। थोड़ी बहुत चुनाव आयोग को अगर शर्म आ रही हो तो उनका शर्माना जरूरी है कि वो टपोरी भाषा सिवाय टपोरीपन के उससे और कोई दूसरी भाषा नहीं झलकती। भारतीय जनता पार्टी की राज्य में पिछले 7 साल से सरकार है, 10 साल से केंद्र में सरकार है। आइए जवाब दीजिए, अस्पताल पर जवाब दीजिए, स्कूल पर जवाब दीजिए, कॉलेज पर जवाब दीजिए, किसान की एमएसपी पर जवाब दीजिए। बराबर में खड़े हो गए राकेश टिकैत जी के बराबर में कैंडिडेट साहब के, हो सकता है कि उनके हेलीकॉप्टर के प्रभाव में आकर किसान नेता उनकी कोई हिमायत में बात कह देंगे, लेकिन किसान का बच्चा कभी किसी के प्रभाव में पहले आया होगा जो अब आएगा? उन्होंने वो भी बात कही जो जन भावनाएं हैं और किसान की मजदूर की भावनाएं हैं। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेता जब आपसे वोट मांगने के लिए आए तो एमएसपी की बात पूछिए, उनकी मौजूदगी में ये बात हो रही है। मैंने जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को लॉन्च किया था और उन्होंने भाषण दिए, मैं उन कांग्रेसियों में से एक था, तो मैं भी सोचता था कि हो सकता है कि हमारी सरकारों से पीछे कुछ गलतियां रह गई हों और ये शख्स आकर कुछ हमारे देश को तब्दील करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी। कहीं ना कहीं मेरे भी दिमाग में कोई एक ऐसी बात घर कर गई थी, लेकिन उनके 10 साल के कार्यकाल के बाद और 6 साल के उनके डबल इंजन की सरकार उन्होंने मांगी थी, 7 साल की राज्य सरकार के कार्यकाल के बाद, मैं यहां नारसन कला के लोगों से चंद सवाल पूछूंगा कि अगर हम गुरुकुल की सड़क पर खड़े हो जाएं और वहां पशु चिकित्सालय की नजर तरफ नजर डालें तो 10 साल पहले उसके हालत बेहतर थी या आज? 10 साल पहले हालत बेहतर थी, आज हालत बदतर है। उसके दरवाजे चौखट भी उखाड़ के ले गए। फंड से मैंने उसमें कोविड में पैसे दिए, एम्बुलेंस दी, मैं चुनाव हार गया। जालिमों ने एम्बुलेंस तक नहीं चलाई, माइके लालों ने। ऋषभ पंत का 100 मीटर दूर हॉस्पिटल से एक्सीडेंट होता है तो एम्बुलेंस बाहर से आई, जब सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस खड़ी है वो क्यों नहीं चली? मैं सवाल पूछता हूं, वहां वेंटिलेटर रखे हैं, हमने जब शोर मचाया कि ऑक्सीजन की कमी है कोविड में और वेंटिलेटर नहीं है, आपने वो वीडियो देखी होगी विधानसभा की, वो वेंटिलेटर सिर्फ डिब्बों में पैक रखे हैं। जब इतना बड़ा अस्पताल है वेंटिलेटर पैक क्यों रखे हैं?
जब भी कभी भारतीय जनता पार्टी का नेता आएगा तो अस्पताल की नहीं बात करेगा, स्कूल की नहीं बात करेगा। लिपरेडी का पुल टूट गया, लिपरेडी के पुल पर बोलो ना, नहीं बोलेंगे। एक दिन में टूट गया लिपरेडी का पुल, नहीं बोलेंगे। उस वक्त मुंह में दही जम जाती है। हमारी आपकी लिपरेडी की क्या विसाख, रूड़की जैसे शहर का पुल टूट गया हरिद्वार रोड से जोड़ने वाला। अगर रूड़की का पुल टूटा हुआ है, एक दिन में टूट गया क्या? नहीं बोलेंगे। मैं पूछता हूं क्यों?